हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी मूंगफली कतली। ये दिखने में बिल्कुल काजू कतली जैसी ही लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए आइए बनाते हैं मूंगफली कतली। मूंगफली कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मूंगफली। इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब मैं अपनी मूँगफली को इसमें डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हल्के आँच से चलाते रहूँगी। इसे हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे चलाते रहना है और ये तब तक हमें चलाना है जब तक ये मूंगफली अपने छिलकों को ना छोड़ दे। ये देखिए, मूंगफली से छिलका अलग हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए, हमारी मूंगफली अब बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमें मूंगफली को ठंडा करके इसके सारे छिलकों को उतार लेना है। ये देखिए, मैंने मूंगफली के सारे छिलकों को उतार लिया है। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। हमें इसे एक ही बार में नहीं चलाना है, हमें इसे रुक रुक के चलाना है धीरे धीरे, नहीं तो मूंगफली अपना ऑयल छोड़ देगी। ये देखिए, मैंने मूंगफली को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा मिक्सचर अच्छी तरह मिल चुका है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई को रखेंगे और हम इसकी अब चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ लिया 1 कटोरी चीनी। अब उसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी पानी और इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे। इसे हम किसी भी एक तार या दो तार का नहीं बनाना है, बस चीनी के घुलने तक ही इसे पकाना है। इसे हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। ये देखिए, मेरी चाशनी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपने मूंगफली को ऐड करेंगे और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएगा। और इसे अच्छी तरह मिलाते जाना है। इसे डालकर हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। ये देखिए, मैंने सारे मूंगफली को इसमें डाल दिया है और हमें इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है और आंच को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, नहीं तो ये कढ़ाई पे नीचे लग जाएगी। और इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। ये देखिए, हमारी मूंगफली अब हल्की गाढ़ी होने लगी है। ऐसे हमें अच्छी तरह चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। ये देखिए, मूंगफली का कलर भी हल्का चेंज हो गया है। हमें इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाते रहना है ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हों वो टूट जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मूंगफली का अगर टेस्ट रखना चाहते हो तो आप इलायची पाउडर ना डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। ये देखिए, हमारी मूंगफली अब अच्छी तरह गाढ़ी होने लगी है। इसे हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे चलाते रहना है। ये देखिए, हमारी मूंगफली अब अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है और अपने ऑयल भी रिलीज कर दी है। अब इसे चेक करने के लिए हम अपने हाथों में लेंगे और इसे देखेंगे। ये अगर हाथों में नहीं चिपकती है तो ये अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अब हमें गैस को ऑफ करके इसे धीरे धीरे चलाते रहना है क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है और इसे कुछ इस कंसिस्टेंसी का बनाना है। ये देखिए, यहाँ मैंने इस प्लेट पे अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था। आप चाहे तो इसके लिए बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आप इसे बेलन से बेल के अपने अनुसार जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह बेल लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए अब हमारी जो मूंगफली कतली है वो अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे जिस शेप में चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ डायमंड शेप में कट किया है। आप चाहे तो जिस शेप में चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मूंगफली कतली कितनी अच्छी बनी है, ये मैं तोड़ के बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बहुत ही टेस्टी। तो आप भी ट्राई करें इस दिवाली। 1 चम्मच घी और 250 ग्राम मूंगफली से बनाएं मूंगफली कतली। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।